नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के बाईपास पर नकली पुलिस वाला बनकर ज्वेलर्स से 25,000 रुपए लूटने की घटना सामने आई है। क्या घटना उस समय हुई जब दुकानदार दुकान बंद करके अपने घर लौट रहा था? इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर के साथ लूट की घटना सामने आई है। घटना को अंजाम देने वाले लुटेरे पुलिस के भेष में ज्वेलर्स के पास पहुंचे थे और 25,000 लूट लिए। ज्वेलर्स का नाम अभिषेक सोनी है, जो कि साइन सागर कॉलोनी में निवास करता है, और अभिषेक की तिल्लौर खुर्द में सोने चांदी की दुकान है। पुलिस घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। गौरतलब है कि दो दिन पूर्व राऊ के गांधी चौक में एक ज्वेलर्स की दुकान पर भी लूट हुई थी। पुलिस उन आरोपियों को भी गिरफ्तार नहीं कर सकी है। 2 तारीख की रात को लगभग 8:30 बजे राऊ बाईपास के पहले कशवा ढाबा के सामने एक तिल्लौर खुर्द के व्यवसायी हैं, वो उनकी गाड़ी ख़राब हुई तो उन्होंने अपनी गाड़ी रोककर उसको ठीक कर रहे थे। उसी समय दो व्यक्ति बाइक से आए और उनके द्वारा उनसे बोला कि गाड़ी में क्या है, सामान चेक कराओ। तो उनके पास रखे हुए लगभग 25,000 रुपये वो चोरी करके ले गए हैं, और उस पर से तुरंत फरियादी ने अपनी गाड़ी स्टार्ट करके वो आगे बढ़ गए। इस पर से फरियादी की रिपोर्ट पर थाना राऊ में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनके आधार पर बाइक सवार लोगों की पहचान की जा रही है। इसके अतिरिक्त फरियादी के यहाँ जो काम करने वाले अन्य लोग हैं, क्योंकि इसके आधार पर उसके यहाँ जो काम करते हैं उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। अभी सर पूछताछ में क्या सामने आया कि सर वो क्या सिविल ड्रेस में थे या पुलिस की कोई वर्दी थी? अभी तक की जो पूछताछ में आया वो बाइक पर थे और सिविल ड्रेस में थे, और इसके आधार पर जो वहाँ सीसीटीवी कैमरे और अन्य साक्ष्य उनके आधार पर पतरसी की जा रही है। अभी तलाश की जा रही है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।